नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे आप सब। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन के बारे में, जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे रोजाना वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो दोस्तों सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की कौन सी नस्ल का भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा में मुर्रा नाम का भैंस प्रसिद्ध है। चलते दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह गुड़गांव में स्थित है। चलते दोस्तों पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। तो चलते दोस्तों आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों चीन की। चलते दोस्तों नौवें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों तूफान का सूचक। तो चलते हैं दोस्तों दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? दोस्तों भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल भारतीय। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? तो दोस्तों यह असम में है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे बसा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों चांदी सबसे अधिक सुचालक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है।